acute lymphoblastic leukemia lab diagnosis and workup. First of all, you must know what is acute lymphoblastic leukemia. Uska brief introduction kar lete hain. लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, आपको ल्यूकेमियाज का पता है, ल्यूकेमियाज आपने पढ़े हैं कि क्लासिफिकेशन. ल्यूकेमियाज आर बेसिकली हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, मतलब ब्लड सेल्स जो हैं उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है. सिमिलरली अब आपको पता है ब्लड सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हिमेटोपोइसिस आपने पढ़ी होगी. हिमेटोपोइसिस में क्या होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है. हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो लिम्फॉइड स्टेम सेल बनाता है, माइलॉइड स्टेम सेल बनाता है. मतलब हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो आगे से फर्दर दो क्लासेस बनाता है. यहाँ पे माइलॉइड स्टेम सेल शो नहीं किए हुए क्योंकि हम बेसिकली ALL पढ़ रहे हैं. ALL लिम्फॉइड स्टेम सेल के साथ डील करता है, ठीक है. माइलॉइड स्टेम सेल जो है वो आगे से मोनोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स बनाता है, और लिम्फॉइड स्टेम सेल जो है वो लिम्फोब्लास्ट बना देते हैं. अब ये जो लिम्फोइड सेल होता है, लिम्फोब्लास्ट होता है, लिम्फोब्लास्ट ने आगे से उसकी मैचुरेशन होनी होती है. या तो वो बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और आइदर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट यानी कि अगर बोन मैरो में ही मैचुरेशन उसकी हो रही है, बी लिम्फोसाइट अगर वो थाइमस में जाके मैच्योर हो रहा है तो इट इज टी लिम्फोसाइट, ठीक है. अब ये नॉर्मल मैंने आपको हेमाटोपोइसिस बताई है. हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होता है, उसे लिम्फोइड सेल स्टेम सेल लिनिएज होती है एक अलग लिनिएज होती है, और माइलॉइड स्टेम सेल लिनिएज एक अलग होती है. तो यहाँ पर शो नहीं की हुई. माइलॉइड स्टेम लिनिएज जो है वो आगे से फर्दर मोनोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स बनाती है. लिम्फोइड स्टेम सेल लिनिएज जो है वो लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है, और ये लिम्फोब्लास्ट जो है वो या तो प्रिकर्सर्स होते हैं बी लिम्फोसाइट्स के, या प्रिकर्सर्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के, डिपेंडिंग अपॉन द मैचुरेशन साइट. बोन में मैचुरेशन होती है तो बी लिम्फोसाइट्स है, अगर थाइमस में मैचुरेशन हो रही है तो टी लिम्फोसाइट्स. अब ALL में क्या होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, ये जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं ना, इनकी जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड होती है. इनके अंदर कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, देयर इज नो कंट्रोल ओवर इट. तो ये जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं ये बोन मैरो में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओके. हमने पढ़ा कि ALL जो है दैट इज अ टाइप ऑफ हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, इसमें लिम्फोब्लास्ट डिपोजिशन हो जाती है बोन मैरो में. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं दे आइदर मैच्योर इनटू बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट. सो सिमिलरली जो यहाँ पे इनकी जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी, जो इसके मैलिग्नेंट सेल्स होंगे, वो भी या तो बी लिम्फोसाइट के प्रिकर्सर्स होंगे या फिर वो टी लिम्फोसाइट के प्रिकर्सर्स होंगे. तो जो मैलिग्नेंट मैलिग्नेंसी होती है या तो वो बी सेल लिनिएज की होती है या वो टी सेल लिनिएज की होती है. ठीक है, 85% जो केसेस होते हैं वो बी सेल लिनिएज के होते हैं, यानी कि 85% केसेस में जो हमारे पास लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो उन्होंने वो बी सेल के प्रिकर्सर्स होते हैं. और जो बी सेल लिनिएज वाले होते हैं उनकी सेक्स इंसिडेंस इक्वल होती है, यानी कि मेल्स फीमेल्स उनमें दोनों में कोई किसी एक, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्स में ज़्यादा होगा दूसरे में कम होगा, उसकी इक्वल इंसिडेंस होती है. और जो 15% केसेज हैं वो टी सेल लिनिएज के होते हैं, और उसमें मेल प्रीडोमिनेंस होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेज जो हैं वो मेल्स में रिपोर्ट होते हैं, फीमेल्स में इतने रिपोर्ट नहीं होते. ये एक चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है, और 75% केसेस जो हैं वो बिफोर द एज ऑफ 6 मैनिफेस्ट करते हैं. ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आगे हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे. यहाँ तक समझ आइए सबको. कैन यू हेयर मी मैम? स्लाइड शो नहीं हो रही. Yes, ma'am, अब हो गई है. मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ.
acute lymphoblastic leukemia hota kya bachcha acute lymphoblastic leukemia is a type of blood blood cancer or hematological malignancy theek hai hematological malignancy mein maine aapko bataya ki jo blood cells hote hain unke uncontrolled division hoti hai blood cells ki different classes hoti hain to obviously hematological malignancy ko bhi hum classify karte hain maine aap logon ne hematopoiesis padhi hogi hematopoietic stem cell hota hai hematopoietic stem cell ya to lymphoid stem cell lineage banata hai ya myeloid stem cell lineage banata hai myeloid yahan par maine show nahi ki bhi kyunki wo deal nahi karti ll ke sath ll basically lymphoid stem cell lineage mein apne aap ko represent karta hai अच्छा माइलॉइड जो है वो आगे से ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट्स बना देगा अच्छा जो लिम्फोइड स्टेम सेल हैं उन्होंने मैच्योर होकर लिम्फोब्लास्ट बनाने होते हैं और ये लिम्फोब्लास्ट जो है दे आर आइदर द प्रीकर्सर्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स और द टी लिम्फोसाइट ये नॉर्मल इसकी हेमेटोपोइसिस से नॉर्मली बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इस तरह से बनते हैं अच्छा अब क्या होता है एएलएल क्यों डिवेलप करते हैं कि आपके पास ये जो लिम्फोब्लास्ट हैं इनके अंदर कोई ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी होती है लिम्फोब्लास्ट हैं इनके अंदर ऐसी कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी होती है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है इसकी वजह से ये लिम्फोब्लास्ट जो होते हैं ये बोन मैरो में एक्यूमुलेट कर जाते हैं पेरिफेरल ब्लड में भी आना शुरू हो जाते हैं ठीक है अब ये जो लिम्फोब्लास्ट हैं अगर इनकी कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी तो हम कहेंगे एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया है ठीक है अब ये एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो है ये डिपेंड ये इसकी भी दो क्लासेस हो सकते हैं या तो वो बी लिम्फोसाइट से रिलेटेड हो सकता है या वो टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड होता है जो लिम्फोब्लास्ट जो बोन मैरो में एक्यूमुलेट कर रहे हैं अगर वो बी लिम्फोसाइट के प्रीकर्सर्स हैं तो फिर हम कहेंगे कि जो एएलएल है वो बी सेल लिनिएज का और अगर तो वो टी लिम्फोसाइट के प्रीकर्सर्स हैं जो बोन मैरो में लिम्फोब्लास्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो एएलएल जो है वो टी सेल लिनिएज का ठीक है जो 85% केसेस हैं वो यानी कि मेजर मोस्टली जो केसेस हैं दे आर ऑफ बी सेल लिनिएज ठीक है और इसकी इक्वल सेक्स इंसिडेंस होती है और जो 15% केसेस हैं वो टी सेल लिनिएज के हैं उनमें मेल प्रोडोमिनेंस होती है यानी ज़्यादा केसेस जो हैं वो मेल्स में रिपोर्ट होते हैं ये एक चाइल्डहुड मेलिग्नेंसी है और 75% उसके केसेज होते हैं बिफोर द एज ऑफ 6 होते हैं ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एएलएल का अब हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे क्लियर है यहाँ तक सबको यस मैम क्लियर है अच्छा लैब डायग्नोसिस पर जब हम आते हैं ना तो ये इसके 7-8 टेस्ट हैं कंप्लीट ब्लड काउंट पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी बायोकेमिकल टेस्टिंग रेडियोग्राफी साइटोकेमिस्ट्री म्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग साइटोजेनेटिक एनालिसिस हेमेटोलॉजी लैब में बेसिकली जो है आप ये 3 परफॉर्म करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एंड बोन मैरो एस्पिरेशन और समटाइम्स कुछ केमिकल साइटोकेमिकल स्टेन्स भी हम यूज कर सकते हैं एंडोलॉजिकल टेस्टिंग भी हो सकती है मैं आपको सबका थोड़ा बहुत ब्रीफली बताऊंगी कंप्लीट ब्लड काउंट सबसे पहले जब आप पेशेंट का सीबीसी करते हैं ना सीबीसी में जाहिर है ल्यूकेमिया ऑब्वियसली तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ल्यूकोसाइट काउंट तो ज़्यादा ही मिलेगा ठीक है मोर देन 200 इन ट्रांसफर 9 पर लीटर लेकिन क्या होता है क्योंकि बोन मैरो में जब ल्यूकोसाइट बनाने मतलब ल्यूकोसाइट स्टेम सेल जो है उनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है उनमें वो ब्लास्ट सेल्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी सेल्स बनाने जो बाकी ब्लड सेल्स बनाने के लिए स्टेम सेल्स होते हैं वो उनकी सप्रेशन हो जाती है तो आरबीसी काउंट रिड्यूस हो जाता है प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो जाता है तो कंप्लीट ब्लड काउंट हमें ये पिक्चर मिलेगी जिसमें आरबीसी काउंट कम होगा प्लेटलेट काउंट भी कम होगा ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो बढ़ा हुआ होगा फिर जब हम उसका पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं ब्लड ड्रॉ करके उसको जो है थिन ब्लड फिन बनाते हैं ग्लास स्लाइड पे उसको स्टेन करते हैं जिंदा से माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो हमें पिक्चर क्या मिलती है ल्यूकोसाइट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे ऑब्वियसली क्योंकि ल्यूकेमिक पेशेंट है नॉर्मल सिटिंग नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन तो उसकी ठीक होगी नॉर्मल होगी तो जिसकी वजह से उसमें नॉर्मल कलर होगा उन सेल्स का आरबीसीज का उनका साइज और शेप भी नॉर्मल होगी लेकिन उनकी क्वान्टिटी कम होगी उनकी अमाउंट कम होगी तो वो एनीमिक पेशेंट होगा और आपको लिम्फोब्लास्ट मिलते हैं लिम्फोब्लास्ट इमेच्योर लिम्फोब्लास्ट जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए थे इस स्टेप पे जो बनते हैं ठीक है तो वो आपको पेरिफेरल ब्लड में भी मिलना शुरू हो जाते हैं नॉर्मली जो है वो पेरिफेरल ब्लड में नहीं होते लेकिन एएलएल का जो पेशेंट होता है या उसमें जो है ये लिम्फोब्लास्ट आपको ब्लड सेल्स में पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में भी मिलना शुरू हो जाते हैं ठीक है और उनकी अपेयरेंस कैसी होती है इस तरह से दे आर राउंड टू ओवल इन शेप ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो क्रोमेटिन है दैट इज क्लम्प्ड एंड देयर इज अ स्मॉल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म मींस वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज ऑन द एजेस ऑफ द सेल एज यू कैन सी
this is the typical picture of lymphoblast. आप पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे आपको क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइट काउंट, आपको ल्यूकोसाइट्स आपको ज़्यादा नजर आएंगे वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और उनमें भी आपको लिम्फोब्लास्ट नजर आएंगे पेरिफेरल ब्लड में। लिम्फोब्लास्ट नॉर्मली नहीं होते, लेकिन जो ल्यूकेमिक पेशेंट होगा उसमें आपको ब्लास्ट सेल भी मिलना शुरू हो जाएंगे, और ओवरऑल पिक्चर जो है वो एनीमिक होगी पेशेंट के, नॉर्मल सिप्टिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। देन वी प्रोसीड विद बोन मैरो एस्पिरेशन। व्हाट इज बोन मैरो एस्पिरेशन? वी ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ द लिक्विड मैरो फ्रॉम अ बोन, ठीक है, उसकी भी आप सिमिलरली लाइक ब्लड आप उसकी ग्लास स्लाइड बनाते हैं एंड देन यू स्टेन इट एंड लुक इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब आप बोन मैरो को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मैरो जो आपने एस्पायर की हुई है, मैरो यानी कि लिक्विड मैरो आपने बोन से निकाली हुई है, तो उसमें आपको सेल्स जो हैं वो ज़्यादा नजर आएंगे, मोर देन नॉर्मल आपको उसमें सेल्स नजर आएंगे, और ब्लास्ट सेल्स यानी कि इमेच्योर सेल्स जो होंगे वो आपको मोर देन 20% मिलेंगे। नॉर्मल बोन मैरो अगर किसी नॉर्मल पर्सन की ड्रॉ करके उसको देखा जाए तो उसमें आपको 5% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स नहीं मिलते, लेकिन जब आप ALL या ALL के पेशेंट का बोन मैरो को आप ऑब्जर्व करते हो तो उसमें मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन के साथ ही साथ ना, जब एट द सेम टाइम जब हम पेशेंट की एस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसी टाइम हम उसकी बायोप्सी भी कर लेते हैं, मतलब कि हम बोन का एक स्मॉल पीस रिमूव करते हैं जिसके साथ जिसके अंदर मैरो भी होती है, उसको रिमूव करके आप उसको जो है ना फर्दर उसको जो एग्जामिनेशन के लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में भेज देते हैं, तो वो जैसे टिश्यू प्रोसेसिंग होती है रूटीनली तो वैसे इसको भी डील करते हैं, और फिर वो उसको देख लेते हैं कि उसमें कोई ट्यूमर और मैलिग्नेंसी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। बायोप्सी को आप हिमाटोलॉजी लैब में डील नहीं करते, वो आप हिस्टोपैथोलॉजी लैब में डील करते हैं, आपका काम मेनली बोन मैरो एस्पिरेशन के साथ होता है। देन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल एनालिसिस, जब आप मतलब बायोकेमिकल टेस्टिंग LFTs RFTs कराते हैं पेशेंट का, वो बेस लाइन पे होता है, ठीक है। उसके अलावा यूरिक एसिड और LDH, यूरिक एसिड और LDH बच्चों क्यों रेज्ड होता है, बिकॉज आपके पास सेल काउंट बढ़ गया, सेल काउंट बढ़ जाता है तो मतलब वियर एंड टीयर का प्रोसेस जो है वो सेल्स में बढ़ जाता है, सेल में वियर एंड जब वियर एंड टीयर का प्रोसेस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से LDH और यूरिक एसिड जो है वो रेज्ड होता है। रेडियोग्राफी आप उसकी कराते हो, चेस्ट एक्सरे करवाते हो, तो चेस्ट एक्सरे में आपको मीडियास्टाइनम जो मीडियास्टाइनल मास नज़र आता है। मीडियास्टाइनम क्या होता है, दो लंग्स के दरमियान में जो गैप होता है उसको मीडियास्टाइनम कहते हैं, और यहाँ पर जो है थाइमस पड़ी हुई होती है, थाइमस की लोकेशन नॉर्मली यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप ALL के पेशेंट को देखते हो तो थाइमस क्योंकि एक लिम्फोइड टिश्यू है तो यहाँ पे इटसेल्फ लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन भी हो रही होती है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पर आके मैच्योर भी होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर जो है थाइमस में वर्कलोड बढ़ जाता है, वर्कलोड बढ़ने की वजह से हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेक्सिया होता है और उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, जो आपको चेस्ट एक्सरे पे एज अ मीडियास्टाइनल मास, यहाँ पे आपको कोई मास सा नजर आता है मीडियास्टाइनल, ठीक है। अब आप यहाँ तक पहुँच गए थे पेरिफेरल स्मेयर में कि और बोन मैरो में कि ब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, ब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि कोई ना ल्यूकीमिया पेशेंट को है, ठीक है। अगर आप उसकी मॉर्फोलॉजी नहीं कंफर्म, मॉर्फोलॉजी से आप 100% कंफर्म नहीं हो कि ये ब्लास्ट सेल्स ही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, फर्दर उसके आप साइटोकेमिकल एनालिसिस भी कर सकते हो, इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हो, साइटोजेनेटिक। साइटोकेमिकल एनालिसिस में आपके पास क्या होता है, साइटोकेमिस्ट्री में ना आप मल्टीपल स्टेन यूज करते हो, ठीक है। आपके पास जो ब्लास्ट सेल्स आते हैं आप उनको स्टेन करके देख लेते हो कि आइदर वो माइलॉइड लीनिएज के हैं या वो लिम्फॉइड लीनिएज के हैं, ठीक है। उनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स, माइलॉइड और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में, माइलॉइड और लिम्फॉइड सेल्स में डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो एक दूसरे में डिफरेंट होते हैं, लिम्फॉइड में अलग होंगे, माइलॉइड में अलग होंगे, तो इन एंजाइम से जब हम स्टेन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास ब्लास्ट आ रहे हैं वो लिम्फोब्लास्ट हैं या माइलोब्लास्ट हैं, ठीक है। साइटोकेमिकल स्टेनिंग में हम जो मोस्ट कॉमनली जो स्टेन यूज करते हैं माइलोपरोक्सीडेज स्टेनिंग करते हैं। माइलोपरोक्सीडेज का जो एक एंजाइम होता है दैट इज मेनली प्रेजेंट इन द माइलोब्लास्ट, नाम से पता लग रहा है माइलोपरोक्सीडेज माइलोब्लास्ट होता है ये एंजाइम, ठीक है, मोनोसाइट्स में। तो लिम्फोब्लास्ट अगर ALL है पेशेंट को तो लिम्फोब्लास्ट होंगे, और लिम्फोब्लास्ट माइलोपरोक्सीडेज नेगेटिव होगा, AML में पॉजिटिव होगा, ALL में नेगेटिव होगा।
सुडान ब्लैक भी इसी तरह से जो है वो लिपिड स्टेन है, और उसके अलावा ये ग्रैन्यूलोसाइट्स के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं या मोनोसाइट के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको तो स्टेन करता है, लेकिन लिम्फोब्लास्ट में स्टेनिंग इसकी नेगेटिव आती है, मतलब उधर उनको उन ग्रैन्यूल्स को स्टेन नहीं करता। तो सुडान ब्लैक भी जो है वो ALL में नेगेटिव होता है। नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज, ये भी एक एंजाइम है जो कि माइलॉइड सेल्स में तो होता है लेकिन लिम्फोइड्स में नहीं होता, तो AML में ये पॉजिटिव होगा, ALL में नेगेटिव होगा। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग जो है वो बेसिकली सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हुई भी होती है, ठीक है, वो जो ग्लाइकोजन स्टोरेज बॉडीज होती हैं उनको स्टेन करने के लिए पीरियोडिक एसिड शिफ्ट यूज़ करते हैं। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट जो है वो अच्छा, ये जो ग्लाइकोजन स्टोरेज बॉडीज होती हैं ना, ये मेनली लिम्फोब्लास्ट में होती है, माइलोब्लास्ट में ये बॉडीज नहीं होती, ठीक है। तो जो लिम्फोब्लास्ट होंगे अगर, तो जो हमने पेरिफेरल स्मीयर पे देखे थे वो लिम्फोब्लास्ट ही हैं, तो वो कोर्स ब्लैक पॉजिटिविटी देंगे, लेकिन अगर वो माइलोब्लास्ट होंगे तो फिर वो पीरियोडिक एसिड शिफ्ट के साथ स्टेन नहीं देंगे, उसको पिकअप नहीं करेंगे। एसिड फॉस्फेटेसिस जो हैं ये भी टी लिम्फोसाइट्स में बेसिकली होते हैं, तो अगर लिम्फोइड लिम्फोब्लास्ट आपको पेरिफेरल स्मीयर में मिले और आप उनको स्टेन करो तो वो एसिड फॉस्फेटेस पॉजिटिव होंगे, अगर तो वो लिम्फोब्लास्ट नहीं है तो वो एसिड फॉस्फेटेस पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हम साइटोकेमिकल टेस्टिंग करते हैं, साइटोकेमिकल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सेट ऑफ स्टेन्स हम यूज़ करते हैं, और वो जो है वो डिफरेंशिएट कर देता है कि जो हमारे पास ब्लास्ट आए हैं वो आइदर लिम्फोब्लास्ट लिनिएज के हैं या माइलोब्लास्ट लिनिएज के हैं, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो इसके लिए हम माइलोपरोक्सीडेज यूज़ करते हैं जो कि माइलॉइड में पॉजिटिव होता है और लिम्फोइड लिम्फोब्लास्ट में नेगेटिव होता है। सुडान ब्लैक भी इसी तरह होता है, माइलोब्लास्ट में पॉजिटिव और लिम्फोब्लास्ट में नेगेटिव होता है। नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज भी जो है वो माइलोब्लास्ट में नेगेटिव और सॉरी लिम्फोब्लास्ट में नेगेटिव और माइलोब्लास्ट में पॉजिटिव होता है। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट ग्लाइकोजन स्टोरेज बॉडीज को स्टेन करते हैं, और ये स्टोरेज बॉडीज जो है वो बेसिकली इमेच्योर लिम्फोब्लास्ट में होती है, माइलोब्लास्ट में नहीं होती, इसीलिए पीरियोडिक एसिड शिफ्ट जो है वो लिम्फोब्लास्ट में पॉजिटिविटी देता है। एसिड फॉस्फेटेज भी इसी तरह टी सेल लिनिएज के जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो पॉजिटिव देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके, इस तरह से हमने ALL और AML में डिफरेंशिएट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हमें कंफर्म हो जाता है साइटोकेमिकल एनालिसिस पे ठीक है पेशेंट को ALL है AML नहीं है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो अब हमने देखना है कि जो लिम्फोब्लास्ट आए हैं वो आइदर बी सेल लिनिएज के हैं या टी सेल लिनिएज के हैं, ठीक है। इसके लिए हम पेशेंट की इम्यूनोफिनोटाइपिंग कर लेते हैं या आप इसको इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग कह लेते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे पर्टिकुलर मार्कर्स होते हैं, ठीक है। एक सेल के मार्कर्स दूसरे सेल के मार्कर्स से डिफरेंट होते हैं, इसी तरह बी सेल की सरफेस पर जो मार्कर्स होंगे वो टी सेल की सरफेस पर जो मार्कर्स होंगे उनसे डिफरेंट होंगे। तो इन मार्कर्स को अगर हम टेस्ट करें फ्लो साइटोमेट्री से या फिर किसी भी हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग से, तो हम जो है इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि जो ब्लास्ट हमने देखे हैं या जो साइटोकेमिकल में ब्लास्ट आए हैं लिम्फोब्लास्ट जो आए हैं वो या तो टी सेल के प्रीकर्सर से या वो बी सेल के प्रीकर्सर से, ठीक है। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, और जो सेट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर जिनको हम टेस्ट करते हैं वो ये टेबल में शो किए हुए हैं। इसमें बी सेल के जो हैं कुछ पॉजिटिव हैं और वो टी सेल के लिए नेगेटिव हैं, कुछ ऐसे हैं जो टी सेल के लिए पॉजिटिव हैं बी सेल के लिए नेगेटिव हैं। लाइक CD19 जो है ये एक सरफेस मार्कर है जो सिर्फ बी सेल लिनिएज पर होता है, टी सेल पर नहीं होता है। इसी तरह साइटोप्लाज्मिक कुछ सरफेस के अलावा साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, साइटोप्लाज्मिक CD22 वो भी बी सेल में पॉजिटिव है टी सेल में नेगेटिव है। इसी तरह CD79A ये भी बी सेल पे पॉजिटिव है टी पे नेगेटिव है। CD10 भी बी में पॉजिटिव है टी पे नेगेटिव है। इम्यूनोग्लोबुलिन, अच्छा साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बी सेल में पॉजिटिव है और टी सेल में नेगेटिव है। इसके अलावा CD7 आ जाता है। अब ये कुछ मार्कर्स जो हैं ये टी सेल के हैं, CD7 साइटोप्लाज्मिक CD3 और CD2 ये टी सेल में पॉजिटिव होते हैं बी सेल में नेगेटिव होते हैं। TDT जो है वो दोनों लिनिएजेस में प्रेजेंट होता है, वो दोनों में पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैंने कहा कि हमारे पास अगर ALL कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, तो उन लिम्फोब्लास्ट की हमने फर्दर आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो बी सेल के हैं या टी सेल लिनिएज के हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, उसके सरफेस पे या साइटोप्लाज्म में कुछ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। ये कुछ मार्कर जो हैं ये फर्स्ट फाइव जो हैं दे आर प्रेजेंट इन बी सेल लिनिएज एंड नेक्स्ट थ्री
are positive in the T cell lineage and TDT is positive in both. Next, हमारे पास cytogenetic analysis है. Cytogenetic analysis diagnosis के लिए इतना use नहीं होता, लेकिन आपने patient की prognosis देखनी होती है. Prognosis mean कि आप prediction करते हो कि patient का health outcome आगे improve होगा या वो मजीद worsen होगा या condition और बुरी होगी, ठीक है? तो cytogenetic analysis आप उसके लिए करते हो, और इसके अलावा आपको ट्रीटमेंट देने के लिए कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए उसके लिए आप साइटोजेनेटिक एनालिसिस करते हो. व्हाट बेसिकली साइटोजेनेटिक एनालिसिस इज, साइटो मीन सेल, जेनेटिक्स मीन कि आप उसके डीएनए या क्रोमोसोम स्टडी करते हो. तो साइटोजेनेटिक एनालिसिस में ना आप सेल के अंदर जो लिम्फोब्लास्ट आपके पास आते हैं आप उनकी उनके अंदर क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हो, ठीक है? आप देखते हो कि क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट बिल्कुल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसमें किस किस्म की एबनॉर्मैलिटी है, ठीक है? क्रोमोसोम एक्स्ट्रा तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम मिसिंग तो नहीं है, या फिर उसकी कोई शेप, उसमें कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, ठीक है? वो ब्रोकन तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है. तो आपने देखना होता है कि इसमें किस किस्म की एबनॉर्मैलिटी, किस किस्म का डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर या मैलिग्नेंसी हुई है, ठीक है? ये देखने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो PCR है. PCR में आप कोई भी म्यूटेशन होती है उसको आप एम्पलीफाई करके आइडेंटिफाई कर लेते हो. कैरियोटाइपिंग होती है. कैरियोटाइपिंग का यही मतलब होता है कि आपने क्रोमोसोम्स को स्टेन किया और उसको माइक्रोस्कोप में देख लिया. फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें आप सेल्स को लेबल कर लेते हो, सॉरी उसको आप फ्लोरेसेंट डाई यूज करके उनको आप उनके बैंड्स देख लेते हो कोई अगर म्यूटेशन आई हुई है. साइटोजेनेटिक एनालिसिस जो है मैंने आपको बताया था कि प्रोग्नोसिस के लिए यूज होता है. तो अगर आप प्लॉइडी यानी कि जो आपके ब्लास्ट सेल्स आए हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बेसिस पे देखो तो वो हाइपोडिप्लॉइड सेल्स हैं, यानी कि नॉर्मली 46 होते हैं. अगर लेस देन 44 क्रोमोसोम्स हैं तो उसका प्रोग्नोसिस पुअर है, यानी कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं. और जो हाइपरडिप्लॉइड सेल्स हैं उसमें अगर मोर देन यानी कि मोर देन 50 क्रोमोसोम्स हैं तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है? उसके अलावा हमें ALL के पेशेंट्स में कौन कौन सी एबनॉर्मैलिटीज मिल सकती हैं उनके लिम्फोब्लास्ट में. TLAML1 जीन की फ्यूजन होती है, ठीक है? ट्रांसलोकेशन हो सकती है. फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन होती है, यानी कि BCR-ABL जीन उनकी फ्यूजन की वजह से प्रोटीन बनती है. और 11th क्रोमोसोम की 23 लोकेशन पर ट्रांसलोकेशन होती है जिसमें MLL जीन जो है वो भी इन्वॉल्व होती है. साइटोजेनेटिक एनालिसिस में आपको दोबारा बता देती हूँ. साइटोजेनेटिक एनालिसिस में क्या होता है कि आपने पेशेंट का प्रोग्नोसिस देखने के लिए या फिर उसको ट्रीटमेंट या उस ट्रीटमेंट का फॉलोअप देखने के लिए आप उसका साइटोजेनेटिक एनालिसिस करवाते हो, ठीक है? और मेनली रिसर्च पर्पसेस के लिए आप इसको यूज करते हो. इसमें क्या होता है कि आप सेल के अंदर उसके क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हो. क्रोमोसोम्स में आप देखते हो कि व्हाट काइंड ऑफ द एबनॉर्मैलिटी इज देयर, आइदर एंड देयर इज एन एडिशनल क्रोमोसोम और क्रोमोसोम इज मिसिंग और देयर इज एनी structural abnormality, either a chromosome is broken or it is rearranged. So what kind of the genetic disorder lead to such kind of malignancy? हम इसमें ये study करते हैं. इसमें हमारे पास techniques आ जाती हैं, PCR आ जाता है, karyotyping आ जाती है, FISH आ जाती है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी भी techniques हैं, लेकिन मैं यहाँ पे basically तीन famous जो हैं वो discuss की हैं. अच्छा, साइटोजेनेटिक फाइंडिंग्स में आप देखते हो कि अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखो तो दो तरह के सेल्स आपको मिलेंगे, या तो वो हाइपोडिप्लॉयड होंगे या हाइपर डिप्लॉयड होंगे, ठीक है? और अगर आप उसकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी को देखो तो आपको तीन तरह की जीन जो हैं, जीन एबनॉर्मैलिटीज नजर आती हैं. TLAML1 ट्रांसलोकेशन, फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन और 11q23 ट्रांसलोकेशन.